Yo, what's up guys, आप सभी वेलकम बैक टू अनदर गेमप्ले वीडियो माइनक्राफ्ट। मैं हूं आपका दोस्त आयुष और आप देख रहे हो रीता यूट्यूब चैनल। एंड आज हम लोग खेलने वाले वन ब्लॉक गाइस। हाँ गाइस, पहली बार मैं वन ब्लॉक खेलने वाला हूँ। मेरे को कोई आइडिया नहीं इसमें क्या करना है, बस इतना पता है कि जो ये नीचे का ब्लॉक है इसको मेरे को तोड़ते रहना है, और ये वाला जो नीचे का ब्लॉक है ये इनफाइनाइट रीजनरेट होता रहेगा। और इस सीरीज में बहुत मजा आने वाला, मतलब मैं इसकी भी एक सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ, ये एपिसोड वन। और मैंने अपनी एक सर्वाइवल सीरीज भी स्टार्ट कर दी है, तो अगर आपने वो नहीं देखी है तो जाकर उसको भी देख लेना, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो बिना देरी करे हम अपनी वन ब्लॉक की सीरीज भी स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, बेसिकली हमको अपना ये नीचे वाला ब्लॉक तोड़ना है, तो जल्दी से हम इसको तोड़ देते हैं और द ब्लॉक विल रीजनरेट। हाँ गाइस, ये ब्लॉक रीजनरेट भी होते रहेगा और इट्स एन इनफाइनाइट ब्लॉक। और जल्दी से हम ये डर्ट तोड़ते हैं। और गाइस, हमको यहाँ पे वुड भी मिला है, मतलब हमारी क्राफ्टिंग टेबल से टूल्स तो आराम से बन जाएंगे। और हम अपना ये दूसरा लॉग भी तोड़ देते हैं, मेरे को दो लॉग मिल चुके हैं। और गाइस, यहाँ पे चेस्ट भी, और चेस्ट के अंदर ओके गाइस, चेस्ट के अंदर मेरे को सैपलिंग और एप्पल मिला है। चेस्ट के अंदर सामान भी रहते हैं लोग, मेरे को पता नहीं था वैसे। तो गाइस मेरे को फेंक डाला यहाँ से, मैंने कोई बटन भी नहीं दबाया गाइस, बेमतलब को फेंक डाला। पर मेरे को यहाँ पे मेरे को चेस्ट, मैं चेस्ट मिल गया। और ये क्या शवल कैसे मिली, इतना रिकवरी किट। अच्छा गाइस, क्या है ये रिकवरी, मेरे को शवल कैसे मिली करके, जो ये रिकवरी किट नाम का कोई लगा है इसमें कुछ, इसमें मैं अगर 3 बार मिलता हूँ तो मेरे को 3 बार शवल मिल जाएगी। शवल ही मिलेगी, अलग अलग चीजें मिल सकती है, क्या भरोसा इनका, कुछ भी दे सकते हैं ये। तो हम अपना ये ब्लॉक तोड़ते रहते हैं, चलो बिना देरी करें जल्दी से। ओके गाइस, यहाँ पे लिख रखा है देर आर 10 फेजेस, ईच फेज हैज अ थीम। अच्छा गाइस, हर एक फेज का एक थीम होगा, तो ये कौन सा थीम मिला है मेरे को, द फर्स्ट फेज। अच्छा गाइस, ये मेरा प्रिंस का है, तो मतलब इसमें मेरे को प्रिंस का सम्मान मिलेगा। गाइस यहाँ पे मेरे को पिग मिल चुका है, तो ये बाकी मेरा खाना बन सकता है, खाना ही बनेगा ना। तो हाँ भी है रहा, चलो गाइस देखेंगे हम उस बाद में देखेंगे ये हमारा खाना बनेगा या फिर हमारा पेट बनेगा। गाइस मैं इसको हो सकता है पेट बना सकूं, क्योंकि इस आइलैंड में मैं अकेला हूँ, तो मैं अभी इसके लिए थोड़ी सी स्पेस कर देता हूँ ताकि ये गिरे ना यहाँ से। तो बस थोड़ा सा उस साइड को चले जा, थोड़ा सा, ओए गिरना मत गिरना, आराम से रहे। और यहाँ पे क्या लिखा है, देयर आर फिटिंग मॉब ब्लॉक्स ऑन, कुछ समझ नहीं आया, चलो कोई नहीं। हाँ यहाँ पे ग्रास तोड़ते हैं, बट डोंट, क्या डोंट फॉगो, मैं इसके पहले का पढ़ नहीं पाया। सेव योर आइटम्स इन चेस्ट, या गाइस हमको अपना सारा आइटम चेस्ट में रखना पड़ेगा, क्योंकि मैं गिर गया तो मेरा सारा सामान फिर से चले जाएगा। तो यहाँ पे मेरे को मिल चुका है एप्पल और अंडे, क्या करूँ मैं अंडों का, चलो कोई नहीं। हम अपनी चेस्ट वापस से तोड़ लेते हैं, ये जो आई है अभी, तो इसको तोड़ते हैं और देखते हैं इफ यू फॉल योर साइड थोड़ा सा, इफ यू फॉल योर आइटम। अच्छा गाइस, हमको एक वार्निंग दे रहे हैं करके, अगर मैं यहाँ से गिर गया तो मेरा सारा आइटम चले जाएगा जैसे इन्हें पहले गिरा के करा। पर अभी हम क्या कर सकते हैं गाइस, कुछ तो कर नहीं सकते सिवाय ये वन ब्लॉक को तोड़ते तोड़ते। तो हम इसी को तोड़ते हैं और अपने बाद में आइलैंड भी एक्सपेंड कर लेंगे, जिससे मैं अपना, मतलब जिससे मैं रह सकता हूँ आराम से। तो तोड़ते रहते हैं जल्दी से ये वुड वुड सब तोड़ते हैं जल्दी से। ओ ओके, अभी मेरे को ग्रेवल मिला था, मेरा ग्रेवल नीचे गिर गया गाइस। तो यहाँ पे लिखा भी आ रहा है ब्लॉक लाइक ग्रेवल में फॉल डाउन कुछ लिखा है। तो अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, जो ये मेरा वन ब्लॉक है इसके नीचे एक ब्लॉक लगाना पड़ेगा। पर ब्लॉक लगाने के लिए मेरे पास एक वाटर बकेट होनी चाहिए, जिससे मैं तैर के नीचे जाके एक ब्लॉक लगा सकूं। पर अभी मेरे पास कोई वाटर बकेट है ही नहीं, तो मैं अभी एक चीज कर सकता हूँ, मतलब डेंजरस चीज है वो। पहले मैं अपना सारा सामान रख लेता हूँ, क्योंकि मैं मर जाता हूँ इस कार्य को करते करते, तो मेरा सारा सामान चल जाएगा। तो मैंने ले लिया एक ब्लॉक, अब मैं सोच रहा हूँ कूद के इस ब्लॉक के नीचे एक और ब्लॉक लगा दूँ। होने को तो ये बहुत कठिन है, पर मैं इसको करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा जो ग्रेवल है वो मैं नीचे फेंकता रहूंगा, मतलब तो मैं अपना फ्लिंट ही बना पाऊंगा, जिससे मैं नजर नहीं जा पाऊंगा। तो अभी हम चलते हैं और ये ग्रह शे भाई, पहली बार नहीं होगा गाइस, पर कोई नहीं, अब हम 3 बार ट्राई करेंगे। अगर 3 में से हमारा एक बार भी होता है तो बढ़िया है, अगर 3 में से एक बार भी नहीं होता है तो क्या मैं कुछ भी नहीं कर सकता, जब तक कि पानी नहीं देंगे। और वैसे लग रहा है ये दे देंगे पर बाद में, पर अभी के लिए मेरे को अभी के लिए तो ग्रेवल बचानी है। शे अभी के लिए मैं कह रही था कि ग्रेवल बचानी है, तो मैं अभी लगा ही रहा था और मैं गिर गया फिर से। पर ये लास्ट बार करेंगे हम, इसके बाद फिर से नहीं करने वाले, ये लास्ट चांस है मेरी।
इसमें तो पक्का हो जाएगा क्योंकि मैंने 2 बार कर दिया और ये आखिरी बार तो हो ही जाएगा। तो चलते हैं ये लोग। लगा तो सही था इस पर, कहाँ पे लगा देखा भी आप लोगों ने। अभी रुक जाओ गाइस, ऊपर रिस्पॉन करता हूँ, देखो यहाँ पे लगा। इसको ब्लॉक पे तोड़ो और वो भी चले गया। अरे नहीं यहाँ पे मेरे को भी ये ब्लॉक में धोखा लेके चले गया, पर चलो कोई नहीं, अब लग नहीं रहा है तो क्या ही कर सकते हैं, हम अपना ब्लॉक ही तोड़ सकते हैं। वो देखो एक और ब्लॉक चले गया। ये कह रहे अब इन्फेनिक्स ब्लॉक के नीचे एक ब्लॉक लगाओ। भाई कैसे लगाऊं, मैं इतना प्रो नहीं हूँ आई एम नूब। गाइस। और ये इनने कुछ चेस्ट में सामान दिया है और व्हाट द हेक गाइस, ये अब जाके मेरे को वाटर बकेट दे रहे जब मैं 3 बार मर गया। ये 3 बार मरने के बाद मेरे को ये वाटर बकेट दे रहे, मतलब कि मेरी कुर्बानी चाहिए थी क्या? चलो कोई नहीं, अभी हमको वाटर बकेट तो मिल गया, पर हम अपना अब लगा लेते हैं यहाँ पे हम अपना एक ब्लॉक और चलते हैं ऊपर। अब हमारा ग्रेवल भी नहीं गिरेगा और हम ले लेंगे अपना सारा ग्रेवल। तो जल्दी से हम इसको तोड़ते हैं और यहाँ गाइस हमारा ग्रेवल भी ऊपर मिलते जा रहा है हमको। पर हम एक काम करते हैं, मेरे पास इनफ ब्लॉक्स तो हो गए हैं और मेरा प्लेटफॉर्म बहुत छोटा है, तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं ये जो प्लेटफॉर्म है इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, क्योंकि अगर मैं और यहाँ मेरा पे यहाँ से गिर जाए तो हम में से कोई एक अलग हो सकता है और मेरा सारा सामान जा सकता है। तो मैं यहाँ पे अपनी साइड का थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ, मेरे पास 3 डॉट बचे हैं, तो ले पिगू मैं तेरी साइड को भी 3 ब्लॉक बढ़ा देता हूँ। ये हो गया, चलो ये तेरा और ये मेरा, ठीक है? अब तो मेरे साइड नहीं आएगा, हम दोनों का बराबर बराबर एरिया है, ठीक है? बढ़िया, हाँ बोल, हाँ हाँ बोल दे। तो अब हम ऐसे रहेंगे, ठीक है? बढ़िया हो गया हमारा। मैं अपना सारा सवर निकाल लेता हूँ, और ये जो मेरे पास वाटर बकेट प्लैंक्स वगैरह है इनको मैं रख लेता हूँ और सीधा अपना थोड़ी सी माइनिंग को स्टार्ट कर लेता हूँ यहाँ से। चलो जल्दी जल्दी बोलते हैं। ओके गाइस, यहाँ पे हमको एक लिखा है रेडी फॉर एडवेंचर, एडवेंचर है तो थोड़ा सा दूर से तोड़ता हूँ मैं। है गाइस विलेजर के बाद जाओ, ये कौन सा एडवेंचर है? दिल वाला चेस्ट क्या है इसके अंदर? ओ भाई इसके अंदर इतना सारा सामान है गाइस, 10 स्टैक तो ज्यादा हो गए, 5 स्टैक वुड के मिल गए मेरे को। क्या खराब सी चीज दे रखी है गाइस दिल वाले चेस्ट में भी, पता नहीं क्या गाइस। चलो हम अपना ये एक टॉर्च दिए इसको हम लगा देते हैं, मॉब्स तो स्पॉन ही नहीं होंगे। और हम क्या कर सकते हैं, हम इसको तोड़ लेते हैं जल्दी से। और ओके गाइस हमारा फेज अपग्रेड हो गया है, मतलब अभी हुआ नहीं है पर हो रहा ही है। 3 2 1 और ये हो गया। ओके गाइस शायद इसमें कुछ लिखा है, इन अ लार्ज एंड ट्रीज ग्रो हेयर टू लास्ट अ लाइफ टाइम, ये फेज 1 इज द प्लेन। अच्छा गाइस अब जाके मेरा पहला फेज स्टार्ट हो रहा है, मतलब जो मेरा स्टार्टिंग से अब तक चल रहा था मैं पता नहीं क्या था, मेरे को कुछ समझ नहीं आया, पर अब जाके मेरा पहला फेज स्टार्ट हो गया है। तो इसकी इसे खुशी में आप लाइक सब्सक्राइब कर सकते हो, बिल्कुल फ्री है, ज्यादा से लाइक सब्सक्राइब करो। कुछ तरीका है भीख मांगने का? आई होप आप लोगों ने लाइक सब्सक्राइब कर दिया होगा। यहाँ पे मेरे को अलग अलग टाइप के ब्लॉक्स मिल रहे हैं, मतलब ये पंपकिन में मिल गया और अब नॉर्मल, मतलब अब मेरे को इस फेज में पंपकिन और क्ले वो सब भी मिल रहा है। मेरे को अपने 1 ब्लॉक का पहला बर्ड फूड मिला है, वैसे मुझको ये पसंद नहीं है फिर भी ले लिया मैंने वो, घर में कहीं पर लगा दूंगा। और मेरे को एक और पिग मिल चुका है और ये दोनों मेरे पेट बन सकते हैं, तो इन दोनों को मुझे करना पड़ेगा साइड भाई, तो उस साइड को चले जाओ। अगर ये लोग गिर सकते हैं गाइस, इनके गिरने के चांसेस ज्यादा हैं, तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं जरा सा ना इनमें पहले अपने तो स्नीक को ट्यूअल कर देता हूँ, क्योंकि अगर मैं ही गिर गया तो मेरा सारा सामान चल जाएगा। और अब मैं यहाँ पे अपना थोड़ा प्लेटफॉर्म ना इस साइड को एक्सटेंड कर लेता हूँ, क्योंकि अगर मैं गिरा तो मेरा तो सारा सामान जाएगा ही जाएगा, और अगर ये पिग गिरे तो मेरा खाना जाएगा, मतलब मेरे पेट्स जाएंगे। सॉरी। चलो भाई अब तुम लोग इस साइड आ सकते हो, मैंने तुम्हारे प्लेटफॉर्म भी बना दिया है, तो चलना उस साइड को जा तू, तो फिर वो साइड कर देता हूँ। मैं अपने लिए फेंस बना रहा हूँ, सॉरी अपने लिए क्यों कह रहा हूँ, मैं पेट्स के लिए फेंस बना रहता हूँ, पर पहले ये वाले पिक को उस साइड को खींच मतलब मार फेंक देते हैं। चल जा उस साइड चल, और अब बना लेता अपने लिए इनके लिए फेंस, सॉरी मैं अपने लिए बना रहा हूँ। चलो अब 8 8 बना लेते हैं, काफी होंगे मेरे लिए, ये गई 16 और 8 8 हो गई। चलो अब लगा देते हैं एक एक, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 7 8 8 हो गई, ये मेरे फ्लैंक्स हो गए। चलो मैंने फेंस बना दिया और ये छोटा लग रहा है इधर, तो मैं इसको पूरा ही भर देता हूँ यहाँ पे, और अब फेंस लगा देते हैं इनके लिए। चलो और यहाँ से इस पे ये, और यहाँ पे
और तो अंदर को चले जाओ अपने आप ही। और ये तो अपने आप ही पहले से अंदर है, तो इसको भेजने की जरूरत नहीं। ये है, ये नहीं जाएगा, ये कहीं मेरे कोने में मत जाना, ये गिर जाएंगे ऐसे करके। तो रस उस साइड को चले जा भाई, प्लीज प्लीज उस साइड को चले जा। ओ नहीं 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 वहां नहीं, वहां नहीं, वहां से नीचे उतर यार, प्लीज दिमाग मत खराब कर। नीचे आया, नीचे आया, गिर जाएगा वहां से, जल्दी नीचे आ, यहाँ को आ जा। हाँ, थैंक यू अब। अरे मैं रखूंगा नहीं, मैं नहीं रख रहा भाई, आ जाना प्लीज, प्लीज विनती कर रहा हूँ, चले जाना अंदर, तू चले जा 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 जा। अब वो चढ़ गया वहां, खतरों का खिलाड़ी, इन सबके खतरों का, इतना डेयरिंग क्यों बनने हैं सबको? एक गया, एक निकला तो दूसरा चढ़ गया। हट, तू अंदर जा, उसको नीचे को भेजता हूँ मैं। अब मेरे को भी खतरों का खिलाड़ी बनना पड़ेगा, डर लग रही है। चलो चलो तुझको गिरा देता हूँ अंदर को, अंदर को चले जा, बस तू अंदर को चले जा थोड़ा सा। हाँ चलो चले गए गाइस, ये फाइनली अब तुम लोग चढ़ना मत, और क्राफ्टिंग टेबल चलो छोड़ो, मेरे को लग रहा था ये यहाँ से चढ़ देंगे कूद के, पर तो कूद नहीं सकता, अंदर फंसा दिया मैंने ने। तो फिर सब अपना वन ब्लॉक तोड़ते रहते हैं। मेरा ये जो क्राफ्टिंग टेबल है यहाँ पे, ये मतलब जगह यहाँ पे सही नहीं लग रहा, तो मैं क्या करता हूँ, इसके जो अंदर का सारा सामान है ना, इसको पहले अपनी इन्वेंट्री में ले लेता हूँ, और ये क्राफ्टिंग मतलब क्राफ्टिंग टेबल कह रहे हैं, चेस्ट को यहाँ से तोड़ देता हूँ। और हाँ चेस्ट मेरे को मिल गया है, और यहाँ इसको, अरे मैंने वो लगा दिया, सॉरी गलती से मैंने ग्लेवल लगा दिया। अब मैं चेस्ट, मेरे पास चेस्ट तो है, दो है, तो मैं इससे एक लार्ज चेस्ट बना सकता हूँ। अब मैं कहाँ को बनाऊँ, चलो वहाँ को थोड़ा सा एक प्लेटफॉर्म बनाते हैं ना, वहाँ को ले जाके बना देते हैं अपने चेस्ट का एरिया थोड़ा सा। चलो यहाँ पे सही रहेगा। एक और रुक जाओ, यहाँ पे लगा देता हूँ बस, अब तीन लग जाएंगे मेरे टोटल, तो ये एक दो लगे। अरे सॉरी मैं क्राउच कर रहा था, इसको तोड़ लेते हैं, फिर से तोड़ लेते हैं, चलो कोई नहीं, जल्दी से टूट जाए। ओके ना मत गुड, चलो अब हम इसको लगाते हैं, और यहाँ पे ये चलो, अब यहाँ पे हमारा अगर कोई मॉब वॉब भी आता है, तो अगर वो फूटेगा तो यहाँ तक नहीं पहुंच पाएगा उसका डैमेज, तब यहाँ अब इसको यहाँ सारा सामान अपना रख देते हैं, और फिर से चलते हैं अपना ये थोड़ा सा ब्लॉक माइन कर लेते हैं, क्योंकि हमको अपना जो ये आइलैंड है इसको और ज्यादा बड़ा करना है, क्योंकि अभी ये उतना सफिशियंट नहीं है कि मैं इसमें अपना घर फार्म वो सब बना सकूँ, तो मैं अपना ये ब्लॉक तोड़ते रहते हैं। चलो जल्दी ला, यहाँ पे मेरे को एक मूंग गांव मिल गई है, तो मेरे को इसको इसके फेंस के अंदर वापस डालना पड़ेगा, मतलब वापस क्या अभी तो आई है, मतलब इसके अंदर डालना तो पड़ेगा। मैं सोच रहा हूँ कि क्राफ्टिंग टेबल के ऊपर चढ़ के जा सकती, तो नहीं जा रही है ये, वैसे मेरे को शायद फेंस ही तोड़ना पड़ेगा, पर ये पिग्स बाहर निकल गए तो और झंझट हो जाएगा, पर मैं यही करना, यही एक ऑप्शन बच चुका है, पर इन लोग ये लोग बाहर आ गए तो क्या करेंगे, ये वहां को जाएंगे तो गिर भी सकते हैं यहाँ से। और ये मूंग को भी यहाँ क्या वहां को रख दूं क्या मैं अब इसे? चलो अभी थोड़ी देर के लिए तो वहां को रह ले प्लीज, अभी के लिए मैं तेरे को अंदर ही रख रहा हूँ, क्योंकि अगर ये पिग्स विग्स बाहर आ गए तो मैं रख नहीं पाऊंगा इन सबको एक साथ फिर से। तो अभी मैं थोड़ा सा और ब्लॉक तोड़ता हूँ, ताकि मैं अपना थोड़ा ये एरिया है ना इसको बड़ा कर सकूँ, फिर मैं आराम से ये मूव का होकर रख लूंगा। पर मेरे को चेस्ट मिला, और चेस्ट के अंदर फिर से फालतू सामान, ये माइनक्राफ्ट वाली चेस्ट के अंदर कोई अच्छा सामान देते ही नहीं है कभी, पर फालतू सामान भर भर के देंगे। और अपना सारा सामान मैं यहाँ पे रख लेता हूँ, और ये देख रहे हो इसको भी खतरों का खिलाड़ी बनना है, पर अभी मैं इसको भाव नहीं दूंगा, क्योंकि अगर मैं इसको भाव दूंगा तो ये और नौटंकी करते हैं, ऐसी है इनका। पर हम अपना ब्लॉक तोड़ने में ध्यान देंगे, और यहाँ पे एक शीप भी आ चुकी है, तो तुझे भी बाद में रखूंगा, अभी तो साइड हो जा, ये दोनों गिर सकते हैं यहाँ से, मार दूंगे इन्हें, पर नहीं, अगर मैं इनको मार दूंगा तो मेरा बाद में खाना कैसे बनेंगे ये लोग, तो ये मेरा खाना है बेसिकली, तो मैं इनको मारूंगा नहीं अभी, ये शीप पता चल जाए, और ये पिग तो बाहर मत आना प्लीज। हाँ चलो अब काओ को अंदर करूँ कि नहीं करूँ, चलो रहने देता हूँ उसको वहीं पे रहने दो, उसको वहीं पर ही सजा रही है, तो उसको वहीं रहने देते हैं, और हम अपना वन ब्लॉक तोड़ते रहते हैं बाद में, अभी हमको क्योंकि अपना वन ब्लॉक एक्सपेंड करना है। ये बात मैंने बहुत बार बोल दी है, पर मजा आ रहा है ये बात बोलने में, फिर वन ब्लॉक एक्सपेंड करना है, वाह कितना मजा आ रहा है, पर मजे तो मैंने बहुत ले लिए। और यहाँ पे मेरे को चिकन मिल गए हैं, और ये चिकन मेरे को पसंद नहीं है, तो मैं इनको मार दूंगा, और तू भी मार दूंगा, बस मजा आ गया। बाय द वे कमेंट में RIP चिकन लिख देना गाइस, मजाक से हट के गाइस वो बहुत प्यारी चिकन थी, उसके लिए हम 2 सेकंड का मौन रख सकते हैं।
चलो हो गए 2 सेकंड, मैं ज्यादा देर नहीं रख सकता, वीडियो बोरिंग नहीं करनी है। और चलो फिर से बंद ब्लॉक की तरफ चलते हैं। भूल जाओ उस चिकन को, पता नहीं कौन थी वो, मार दिया तो मार दिया, अब क्या कर सकते हैं। अरे एक पेग आ चुका है तो हम क्या करें, ये इसी को मान लेते हैं अपनी चिकन जो मारी वो पिक के रूप में आ गई है, और इसको अंदर तो नहीं रखूंगा वरना ये मेरे दो दोस्त के साथ मिल जाएगा। तो तू साइड हो ना, वन ब्लॉक के ऊपर क्या खड़क है, निकल मैं मार दूंगा, निकल वहां को हट। और इसका भी मन है अंदर ही जाने का, तो अंदर निकल तू, चल अपने आप से जा रहा है कि नहीं, मैं धक्का नहीं दूंगा, चल अच्छा जा 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 जल्दी आ, जल्दी आ कह रहा हूँ। ए तू बाहर का निकल रहा, तू अंदर जा अंदर जा अंदर जा, भाई भाई बाहर का निकल रहा, लड़ रहा है भाई, सब बाहर निकलना चाहते हैं, अंदर जा। ए पिग्गू तू भी निकल, चल जा अंदर। वो वहां फिर से चढ़ गए, वो वहां जो गाय नहीं दिख रही है सबको ऊपर, ये वो फिर से वो, अरे ये कहाँ लगा दिया मैंने, सॉरी। अब तुम बाहर मत निकलना, ये गाय को देख रहे खतरों का खिलाड़ी बन रही है अभी भाई, पिग और ये पिगों को देखते हैं ना, इन सब के अंदर खतरों का खिलाड़ी बनने का भूत सवार है। अब मेरे को यहाँ से डर लग रहा है, अब गिरू ना मैं, बस तू अंदर चले जा। गुड भाई, ऐसे जा रहे हैं ना चढ़ के, मैं मार दूंगा सबको एक एक करके, देख लो चढ़ो मैं यहाँ से भाई, जैसे कि मैंने इनके लिए यहाँ सीढ़ियां बनाए रखी होगी ऐसे चढ़ रहे हैं यहाँ पे। पर ये सब का गुच्छा सा बन गया, मतलब एक के ऊपर एक के ऊपर एक लगे हुए हैं। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे ना, ये प्लेटफॉर्म इनका थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, मैं इनका थोड़ा सा बड़ा प्लेटफॉर्म बड़ा कर देते हैं, तो यहाँ से ये मतलब ये खुचुड़ पुचुड़ नहीं होंगे, तो मैंने कर तो दिया है बड़ा। अब यहाँ पे हमको फेंस वेंस सब लगाना है, जल्दी से लगा देते हैं। चलो यहाँ पे मैंने इनका कर दिया, अभी जल्दी से बंद कर देते हैं यहाँ पे। चलो इनका यहाँ पे फैंस वैंस का भी, इनका घर तो बन गया है। चलो बस, और अपना ये फालतू का सारा सामान रख देते हैं अंदर वापस। और गाइज अब मैंने अपना यहाँ पे बहुत सारी ग्राइंड कर लिया है, मतलब मेरे पास बहुत सारा ब्लॉक्स आ गए हैं, और मैंने अपना जो क्राफ्टिंग वो चेस्ट वेस्ट था वो मैंने यहाँ से शिफ्ट कर दिया, और मेरे को एक शीप मिली है तो मैं इसको भी यहाँ पे अंदर डाल रहा हूँ फिलहाल के लिए, तो बाद में मैं इसको इनका फैंस का एरिया भी बड़ा कर दूंगा जब ये और बढ़ जाएंगे। चलो इनको भी अंदर रख दिया मैंने। तो गाइज आज की इस वीडियो को मैं बस यही एंड करता हूँ, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी बन चुकी है, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और मेरे को पता है आप लोग ये पूरी वीडियो देखते ही नहीं हो, तभी इसका मेरे को बहुत दुख होता है, तभी मैंने लॉन्ग वीडियो नहीं बनाई है ज्यादा, वरना मेरी तो ये 30 मिनट्स की बन जा रही थी आराम से, पर मैंने ये 16 मिनट में बना ली। पर कोई नहीं गाइज, हम नेक्स्ट वीडियो में पूरा कवर करेंगे। और मैंने जैसे कि आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था, मैंने अपनी एक न्यू सर्वाइवल सीरीज भी स्टार्ट करी है, तो आपको अगर उसका सेकंड पार्ट चाहिए तो मैं वो भी ला सकता हूँ, आप कमेंट में जरूर से बता देना। और अगर आपको वन ब्लॉक का सेकंड पार्ट चाहिए तो मैं वो भी ला सकता हूँ, और मैं एक कम्युनिटी पे पोस्ट डालने वाला हूँ, तो उसको भी जाके आप चेकआउट कर सकते हो, और उसमें आप बता सकते हो नेक्स्ट वीडियो आपको कौन सी चाहिए। और चलो तब तक के लिए बाय बाय। Nobody, nobody, nobody knows.